आजकल भारतीय रेलवे इतनी आधुनिक हो गई है, शताब्दी राजधानी से लेकर ट्रेन 18 और मेट्रो तक पटरियों पर सरपट दौड़ रही है। लेकिन जब भारत में पहली बार आज से 166 साल पहले ट्रेन चली थी तो नज़ारा ही कुछ और था और ट्रेन भी अजीब थी। यह वीडियो देखने से पहले अगर आप विश्व की प्रथम रेलगाड़ी वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं विनय भारती और आप देख रहे हैं हिंदी जुरखा। तो चलिए कुछ जानते हैं। आपने विश्व की प्रथम रेलगाड़ी में देखा कि किस तरह रिचर्ड ट्रेविथिक ने सबसे पहला भाप इंजन बनाने में कामयाबी हासिल की थी, परंतु ट्रेविथिक का यह इंजन ज़्यादा शक्तिशाली नहीं था, अतः उस इंजन का पुनर्गठन नहीं किया गया। इसके बाद फिलाडेल्फिया का एक इंजीनियर जॉर्ज स्टीफेंस ने 1814 ईस्वी में एक भाप इंजन बनाने में सफलता हासिल की। यह इंजन शक्तिशाली और भारी वस्तुओं को खींचने में सक्षम था, लेकिन उस इंजन के परीक्षण के लिए लंबी लोहे की पटरियों की आवश्यकता थी। स्टीफेंस ने कुछ लोहे की कंपनियों से बात करके लंदन के डार्लिंगटन शहर से अस्कैक टाउन तक 37 मील लोहे की पटरियां बिछवाया और 27 सितंबर 1825 को इंजन को पटरी पर लाया गया, जिसमें 38 रेल डिब्बों के साथ कुल 600 यात्री सवार थे। यह रेल को खुद जॉर्ज स्टीफन चला रहे थे, जो 14 मील प्रति घंटे की रफ्तार से 37 मील तक चला। उसके बाद जॉर्ज स्टीफन्स को रेलवे का पितामह कहा जाने लगा और इस घटना के बाद लगभग सभी देशों ने रेल इंजन और रेल डिब्बा बनाने में जुट गए। उस समय भारत में अंग्रेजों का औपनिवेशिक शासन था और भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी, जो अंग्रेजी सरकार का केंद्र था। उस समय कंपनी सरकार ने भी अपने व्यवसायिक और प्रशासनिक सुविधा के लिए भारत में रेल चलाने की सोचा और सर्वप्रथम 1848 में कलकत्ता शहर में ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी का स्थापना किया गया और हावड़ा से लेकर रानीगंज तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य शुरू हुआ। उसी दौरान गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने 1850 ईस्वी में मुंबई से ठाणे तक 35 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाया। दूरी कम होने की वजह से कोलकाता लाइन से पहले यह तैयार हो गया। उसके बाद रेलगाड़ी खींचने के लिए डलहौजी ने ब्रिटेन से 3 भाप इंजन मंगवाया और 16 अप्रैल 1853 को भारत की पहली रेलगाड़ी मुंबई के पोरबंदर से 20 रेल डिब्बों के साथ 400 यात्री लेकर सुबह 3:30 पर रवाना हुई और 35 किलोमीटर की यात्रा करते हुए शाम 4:45 में ठाणे पहुंच गई। इसके बाद भारत में 1856 से भाप इंजन बनना शुरू हुआ और धीरे धीरे देश के अधिकतर हिस्सों में रेल पटरियां बिछाई गई। उसके बाद भारतीय रेलवे बोर्ड को 1905 ईस्वी में स्थापित किया गया और उसके 46 साल बाद 1951 में भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया। भारतीय रेलवे में पहले टॉयलेट नहीं हुआ करता था। वर्ष 1909 में अखिल चंद्रसेन नामक एक यात्री ने असुविधा होने पर रेलवे को खत लिखा। उसके बाद रेलवे में टॉयलेट बनाया जाने लगा। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि आज भी सिक्किम और मेघालय जैसे राज्यों में रेलवे की सुविधा नहीं है। बाकी सभी राज्यों में आधुनिक ट्रेनें सरपट दौड़ रही है और आने वाले समय में और भी बदलाव होने बाकी हैं। तो कैसा लगा यह वीडियो, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। हमेशा खुश रहें।